फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लाह के पक। दोस्तों, आज हम आप लोग के बताएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एक सबसे बड़ी खबर आई है, जो है अवध विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 1 दिसंबर से चलेगी कक्षा है। तो दोस्तों, इस खबर को पूरी जानने से पहले पास में बेल आइकन की घंटी उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए इस न्यूज को हम पूरी तरह से जानते हैं क्या है। अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने अपने नए शैक्षिक सत्र का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 1 दिसंबर से कक्षाएं चलेगी और परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसको लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है। विद्यार्थियों का कहना है कि महज 145 दिन में कक्षाएं चलने से किसी भी दशा में कोर्स पूरा करना असंभव है। इसकी भरपाई विद्यार्थियों को ही करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों ने मांग की है कि सिलेबस कम किया जाए या फिर कोर्स पूरा कर परीक्षाएं कराई जाए। अवध विश्वविद्यालय ने मंगलवार को अपना वर्ष 2020-21 का नया संशोधित शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसको लेकर विद्यार्थियों में आक्रोश है। विश्वविद्यालय ने आवासीय परिसर में BCA छात्र शिवशांत ओझा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि अगर कोर्स पूरा करने का समय नहीं हो तो सिलेबस कम कर दे। उनका कहना है कि अगर यह नहीं हो सकता तो परीक्षाएं को पूरा होने के बाद ही कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है अवध विश्वविद्यालय की तरफ से एक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जो अगले सत्र में 25 अप्रैल से क्लास शुरू हो जाएगी और केवल 145 दिन की कक्षाएं चलेगी। जो विद्यार्थियों को नोटिस मिलते हैं, उन सभी को आक्रोश हो गया कि इतनी कम दिन में एग्जाम की सिलेबस पूरे नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कैसे एग्जाम देंगे। स्टूडेंट का कहना है कि सिलेबस कम कर दिया जाए और एग्जाम करा दिया जाए समय के अनुसार, नहीं तो सिलेबस पूरा करा के ही एग्जाम कराया जाए। साकेत महाविद्यालय BSc का छात्र उत्तम त्रिपाठी का कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की कक्षाएं ना चलाना बहुत ही दुखद है। कोर्स ना पूरा होने के खामियाजा उन्हीं छात्रों को भुगतना पड़ेगा जो प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पा रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्स पूरा कराने के बाद ही परीक्षाएं कराए। साकेत महाविद्यालय के छात्र विकास वर्मा का कहना है कि छात्र अभी तक कोरोना महामारी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, और आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।